नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं घोसी ब्लॉक के गोपालपुर में। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं बापू बाल शिक्षा सेवा संस्थान, और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं और इधर कुछ छात्राएं हैं जिनको आज फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और स्कूल के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में स्कूल के सभी लोगों ने इन बच्चों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। तो आइए अब हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनका जो ये रिजल्ट अच्छा आया है ये किसका श्रेय किसको दे रहे हैं और किस तरह से तैयारी किए थे। क्या नाम है आपका? उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? टेंथ में। कितना नंबर आया है आपका? 543। मतलब अच्छा खासा परसेंटेज है आपका? 90.5। तैयारी किस तरह की रही आपकी, और ये शिक्षक जो स्कूल के लोग हैं, स्कूल के जो स्टाफ हैं, किस तरह का सपोर्ट रहा इनका? बहुत सपोर्ट रहा सर, सब मतलब सभी टीचर्स ने बहुत बढ़िया से पढ़ाया लिखाया, सब सिलेबस कंप्लीट था हम लोग का, बहुत बढ़िया से, बहुत ही केयरलेस केयर किए सर लोग ने, और हम लोग का रिजल्ट इन्हीं लोग के मुकाबले मतलब बहुत अच्छा आया। अच्छा आया। कितना पढ़ाई करते थे आप इस रिजल्ट को? बस सर ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे शाम को, और सुबह में कोचिंग जाना था 4 बजे से, वही 4-5 घंटे शाम को 11 बजे तक 12 बजे। हाई स्कूल में तो आपने जो पहला स्टेप होता है उसमें अच्छा नंबर लाए हैं, इंटर के लिए क्या सोच रहे हैं आप और आगे क्या सोचा हुआ है फ्यूचर? इंटर में भी ऐसे ही मतलब बढ़िया से पढ़ के बढ़िया रिजल्ट लाना है और आगे आगे तैयारी करनी है। क्या सोचा हुआ है कुछ तो? NDA के लिए सर। NDA के लिए सोचा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार। विनय कुमार, कितना नंबर आया है आपका? 542। कितना परसेंटेज हुआ हो इस हिसाब से? 90.33। हाँ, अच्छा नंबर है आपका। क्या सोचा हुआ है या जो ये नंबर आया है इसको किसका श्रेय देना चाहेंगे? जी मैं इसका श्रेय अपने शिक्षकों को जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और अपने माता पिता को और टीचर को खासकर, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, वक्त से पहले सिलेबस कम्प्लीट करा, फिर रिविज़न भी अच्छी तरह से हुआ जिससे हम आसानी से पेपर दे सकते हैं। किसको जो आपने तैयारी किया अच्छे नंबर लाए, स्कूल की तरफ से किस तरह का सपोर्ट था आप लोगों को, स्कूल के स्टाफ की तरफ से कितना सपोर्ट मिला आप लोगों को? स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, खासकर प्रिंसिपल सर से जो हमें हमेशा डेली मोटिवेट करते थे इस चीज़ से कि मतलब पढ़ाई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा जरूरी है जीवन के अच्छी जीवन के लिए। तो मैं इसका से प्रिंसिपल सर को जी को देना। क्या सोचा हुआ है आगे? अभी तो पहला स्टेप था, आपने क्लियर कर लिया, अच्छे नंबर से पास हुए हैं आप। जी मैं आगे IIT जाना चाहता हूँ। उसके IIT जाना चाहते हैं आप? यस सर। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी तो। यस सर, करेंगे। शुरुआत है ये। हाँ, ये शुरुआत। क्या नाम पड़ेगा? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, कितना नंबर मिला है आपको? 517। अच्छा खासा नंबर है। तैयारी कैसी रही आपकी? सर अच्छी रही। अच्छी रही। किस तरह का सपोर्ट था स्कूल की तरफ से और किस तरह से तैयारी किया आपने एग्ज़ाम के लिए? सर एवरीडे 4-5 घंटे रोज़ पढ़ते थे, और स्कूल से क्लास करके जाके घर पे आराम से पढ़ते थे सर। सपोर्ट भी क्लास का बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, शिक्षक लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। आगे क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है? नीट करना है। अच्छा, नीट करना है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? रजनीश राजभर। रजनीश राजभर जी, कितना नंबर मिला है आपको? 481। अच्छा नंबर है आपका। कैसी रही पढ़ाई आपकी और कैसे तैयारी रही आपकी? बहुत अच्छी तैयारी रही, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों के, खासकर प्रिंसिपल सर ने, क्योंकि प्रिंसिपल सर से हम जिस टीचर को चेंज करना चाहते थे वो कर सकते थे, कर देते थे। जो नंबर लाए हैं पढ़ाई उढ़ाई का, पढ़ाई कुछ हेल्पफुल का तो ऐसा कुछ मैटर नहीं था ना कि आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा था? टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा और कुछ फ़ोन का भी रहा, जिससे फ़ोन से भी पढ़ाई की। अच्छा, फ़ोन का बहुत, फ़ोन से कैसे सपोर्ट मिला आपको, किस तरह से? सर फ़ोन पे तमाम तरह के चैनल्स हैं जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, और स्कूल टीचर्स से भी बहुत सपोर्ट रहा, और खासकर प्रिंसिपल सर का बहुत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक कुमार। कितना नंबर मिला है आपको? 514। तो अच्छा खासा नंबर है आपका। Yes. इसकी तैयारी कैसी रही और इतना नंबर आया है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, और इसकी तैयारी भी ठीक ठाक थी, और हमारे टीचर बंधु सब अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। स्कूल पढ़ाई उढ़ाई होती है सही से? यस सर। कोचिंग वोचिंग भी लिया था आपने कि बस स्कूल के भरोसे ही थे आप? कोचिंग लिए थे। कोचिंग किए थे, कितने महीनों तक किया था आपने? सर 2-3 महीने किए थे। नंबर तो बढ़िया है, आगे क्या सोचा हुआ है? अभी तो पहला स्टेप था ये। IIT सोचा है। IIT तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। यस सर। करेंगे? यस सर। ओके। क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश यादव। किस क्लास में है आप? 12th। 12th में है आप? कितना परसेंटेज है आपका? 81। 81।
अच्छा खासा नंबर है, किस तरह से पढ़ाई करते थे आप और किस इस मुकाम को जो आपने 81% लाए तो ठीक ठाक नंबर है, ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? पहले जैसा लग रहा है, पहले जैसा ही लग रहा है, पहले जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा, फूल माला पहनाया गया, स्वागत उगत किया गया है, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, आपने अच्छा नंबर लाए हैं इसलिए फूल पहनाया गया तो अच्छा तो लगेगा ही जी। आगे क्या सोचा हुआ है? सीयूटी करने का, सीयूटी निकालने का, मेहनत करना पड़ेगा जी, करेंगे जरूर करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, कितना नंबर आया है आपका? 91%। 91%। किस तरह का सहयोग रहा है आपके स्कूल के स्टाफ लोगों का आप लोगों के साथ, और किस तरह से तैयारियों के लिए मोटिवेट किया उन लोगों ने आपको? जैसे बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जैसे सर बोलते थे हमेशा कि अगर आप जितने में पढ़ते हैं उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर आप 12 में पढ़ें तो 12 और घर पर पढ़ें, और 11 में पढ़ें तो 11 और घर पर पढ़ें, और रोज़ हर एक सब्जेक्ट टच करें, एक सब्जेक्ट पे डिपेंड रहने से नहीं आएगा 90%। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? लगभग रात में 11-12 बजे तक। अच्छा खासा पढ़ाई किया आपने, आगे क्या सोचा हुआ? इंटर है, इसके बाद तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक होता है ना डिसाइड कर ही लेना होता है कि हम इधर जाना चाहते हैं चाहे हम उधर जाना चाहते हैं। हाँ, BFA में करेंगे, BFA। छात्राएं भी हैं इस बार, बेटियों ने भी अच्छा खासा परचम लहराया है, और एक कहानी भी है कि छोरियां को छोरों से कम है के, तो यहाँ पे जो तस्वीरें देखें कि जो छात्रों के साथ छात्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आइए हम इन लोगों से भी बातें करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, कितना नंबर आया है आपका? 78.2। किस क्लास में है आप? 12th में। जो आपने ये नंबर लाए हैं कि कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही, फिर भी नंबर अच्छा आया है। तैयारी अच्छी नहीं रही, रीजन क्या रहा कि आपने तैयारी अच्छी नहीं रही आपकी? घर पे बहुत काम धाम था इसलिए। घर पे काम था बहुत? आपके एग्जाम टाइम पे भी घर वाले काम बता ही रहे थे क्या? उन लोगों को नहीं पता था कि घर पे जब एग्जाम का समय है तो काम कहाँ इतना करवा रहे हैं? दिक्कत थी इसीलिए करवा रहे थे, उन लोगों को भी करवाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना चौहान। वंदना चौहान जी, कितना नंबर है आपका? 78.2%। किस तरह से पढ़ाई किया है आपने? अच्छे से पढ़ाई करते थे, 2-4 घंटे डेली पढ़ते थे सुबह शाम, और हमारे टीचर्स लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और हमारे प्रिंसिपल, हमारे क्लास टीचर्स, और हमारे घर का भी बहुत सपोर्ट रहा। घर का बहुत सपोर्ट रहा? पढ़ाई में बहुत सपोर्ट रहा। आगे क्या सोचा हुआ है? आगे तो वही BSc नर्सिंग करना है हमें। क्या नाम पड़ेगा? सोनाली चौहान। सोनाली चौहान, कितना नंबर है आपका? 525। 500 कितना परसेंटेज हुआ है? 87.5%। नंबर तो अच्छा लाई हैं। किस तरह से पढ़ाई करती थी आप और कितना पढ़ाई कर लेती थी? सुबह में कोचिंग जाती थी और शाम को 4 घंटे पढ़ती थी। सुबह में कोचिंग, फिर स्कूल भी आना, फिर शाम को पढ़ाई करना, अच्छा खासा आपने पढ़ाई किया। आगे क्या सोचा हुआ है? नेवी के लिए सोचा हुआ है। यस सर। शिक्षकों का कैसा अनुभव रहा, किस तरह से सपोर्ट करते थे स्कूल के स्टाफ जो थे? बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। अच्छा सपोर्ट करते थे। यस सर। तो सर भी यहाँ आइए, इनसे भी बात कर रहे हैं, बात करते हैं हम इनसे। स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा नंबर लाया है, कैसा लग रहा है? आज बहुत बढ़िया लग रहा है। एक शिक्षक के लिए क्या चाहिए, हम लोग मेहनत करते हैं, और यदि बच्चे बढ़िया रिजल्ट लाते हैं तो समझ लीजिए कि वह हम लोगों का तर जाता है, और शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होता है, ये हम लोगों का एक पुरस्कार है। हम लोगों के पास जितना भी था, हम लोग बहुत मेहनत से प्लानिंग बना करके जो है हम लोग व्यवस्था दिए हम, और हमारे प्रिंसिपल सर इसके लिए बहुत सतर्क रहते हैं, सत्र शुरू से लेकर के लास्ट तक लगे रहते हैं, और बढ़िया से बढ़िया बेहतर व्यवस्था देते हैं, अनुशासन भी बहुत बढ़िया हमारा रहता है, हमारे बच्चे भी बहुत ठीक ठाक हैं, मेहनत करते हैं और हम लोग भी मेहनत करते हैं, दोनों लोग लगे रहते हैं, तब आज ये देखने को मिला है, आज बहुत खुशी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम भी इनसे भी बातें करेंगे, कैसा लग रहा है? बेटियों ने भी, बेटों के साथ साथ बेटियों ने भी अच्छा खासा नंबर लाया है और स्कूल का नाम रोशन किया है, किस तरह अच्छा से तैयारी किया था आप लोगों? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तभी सफल अपने आप को मानेंगे कि जब बच्चे सफलता हासिल करेंगे, और बच्चों ने ऊंचाइयों को छुआ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व है बच्चों पर, और इस तरह से हम लोगों का परिश्रम जो है सफल हुआ है, मेहनत रंग लाई है। मेहनत रंग लाई है हम लोगों। बेटियां हैं इस बार, पूरे यूपी बोर्ड के रिजल्ट में देखा जाए तो बेटियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अच्छा रिजल्ट लाया है, तो किस तरह से देखती हैं आप इसे? सर, हम दोनों बच्चों को, बेटियां और बेटे, फ़र्क नहीं होता टीचर के लिए, क्योंकि बच्चे
स्कूल की शान होते हैं। और बच्चे बहुत मेहनत किए, अच्छा लगा हमें, बहुत हम खुश हैं इस नंबर से। बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर चाहें तो। परिवार हम जिस बेल्ट में आते हैं, पूर्वांचल लगता है, यहाँ पे बेटियों को ज़्यादातर माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा क्या करोगी, चौका बर्तन ही करना है तुम्हें जीवन में, उस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन उन पेरेंट्स को हम मोटिवेट करना चाहेंगे कि बेटियाँ भी कहीं किसी फील्ड में कम नहीं हैं, ये हम मोटिवेट करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को। अगर ये सोच स्टाफ है, आइए इनसे भी बातें करें। सर हैं, आइए हम सर से बात कर लेते हैं। स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा नंबर से पास हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों को। हम लोगों ने जितना हो सका उतना इन बच्चों के साथ प्रयास किया, और बच्चों ने भी काफ़ी हद तक हम लोगों की मदद किया, और रिजल्ट आज सामने है जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक बेटी थी, छात्रा थी, और उसने कहा है कि घर पे काम के वजह से हमारे पढ़ाई में बाधा पड़ रहा था, ऐसे परिवार के लोगों को और ऐसे जो बेटियों को ज़्यादातर देखा जाता है कि काम में ही लगाना चाहते हैं, हम जिस बेल्ट में आते हैं तो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, या तो चौका बर्तन तक ही सीमित रहे, उस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चों और परिवार को समझना चाहिए और फीलिंग नहीं करना चाहिए लड़कों और लड़कियों में, क्योंकि लड़कियां आजकल वो काम कर रही हैं जो लड़के नहीं कर रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम टाइम हो या कोई वर्क हो, इस तरह के घरेलू काम से उनको दूर रखना चाहिए बच्चियों को, और पूरी हेल्प करनी चाहिए कि उनको पढ़ने में मदद मिले जी। किस तरह का सपोर्ट रहा है आप लोगों का? बच्चों ने अच्छा नंबर लाया है तो कितना आप लोग समय देते हैं बच्चों के लिए? ये रेगुलर क्लास करते थे बच्चे, और जो रेगुलर क्लास करते रहे बच्चे, जो हम लोगों के गाइडलाइन में रहे, उन बच्चों का रिजल्ट 100% रहा। और जो बच्चे कंटिन्यू क्लास नहीं किए, उन बच्चों का रिजल्ट या तो ख़राब रहा या तो वो एब्सेंट हो गए हों, लेकिन जो कंटिन्यू थे उनका रिजल्ट रहा अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आज उनका सम्मानित भी किया गया है स्कूल की तरफ से, कैसा लग रहा है जब बच्चों ने अच्छे नंबर से पास किए हैं तो? मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, और यह हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे अध्यापकों की भी विशेष भूमिका रही है। हमारे अध्यापक बच्चों के साथ जब सत्र शुरू हुआ तभी से जो सिलेबस हमने दिया उस सिलेबस के अनुसार कार्य किए, जब टेस्ट लेने का समय था टेस्ट लिए, जब उनको जिस माह में जो सब्जेक्ट पढ़ाना था, जितना लेसन पढ़ाना था, हमारे सारे अध्यापक ने बखूबी पढ़ाया है, और प्री बोर्ड में जो तैयारियां होती हैं प्री बोर्ड के पहले सिलेबस पूरा करके और कई बार रिविज़न कराए, उस रिविज़न का परिणाम है कि आज हमारा रिजल्ट हमारे सामने है, और हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चों के साथ साथ हमारी बच्चियाँ भी बहुत, जो ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ हैं, जो इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, घर पे काम करना था, खेती पे काम करना, उसके बाद भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टाफ और बच्चों को दे रहे हैं। स्कूल आपका देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में है, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और किस तरह से आप बच्चों को, फैमिली को, परिवार वालों को मोटिवेट करते हैं आप शिक्षा की तरफ? देखिए, हमारा विद्यालय गाँव अंचल का है और लगभग मध्यम वर्गीय परिवार है, तो आर्थिक प्रॉब्लम इनके सामने ज़्यादा है बच्चों के साथ में। भाई, माँ बाप तो कभी घर पे हैं कभी नहीं हैं, पिता बाहर काम करेंगे, उनके बाद भी बच्चों के अंदर जो हमारे अध्यापक ने एक जुनून पैदा किया बच्चों को पढ़ने के अंदर, उसका प्रतिफल है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छा कार्य करेगी। अभी हमारा देखिए आगे सत्र जो शुरू हुआ है, दो दो चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं, और मैं आशा रखता हूँ कि जैसे कि अभी टेस्ट कराना है मई महीने में, जो ए टेस्ट कराने के बाद भी हमारा विद्यालय बंद होगा, और आगे भी जो हमारा जैसे जैसे शासन ने निर्देश किया है, जैसे जैसे पढ़ाना है, हम लोग कार्य करेंगे, हमें विश्वास है कि आगे अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हम मौजूद थे बापू बाल शिक्षा सेवा संस्थान पे, इंटर कॉलेज है ये, गोपालपुर घोसी में है, और यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर में अच्छा रिजल्ट लाने के बाद स्टाफ के सभी लोगों ने बच्चों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। वाकई तस्वीर बदलेगी जब आप जुनून और जोश के साथ काम करेंगे, और इन गांव ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने जिस तरह से अच्छा नंबर लाकर अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। अब बने रहिए, हम ऐसी तस्वीरें गांव गिराव से दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।